आज का मेरा दिन कैसा होने वाला है मुझे नहीं पता था। केम छो वडोदरा मजा में? तो अभी है ना हम लोग रुके हैं वडोदरा में। वडोदरा में से आप में से कोई है तो बता दो मुझे कमेंट में। और ये देखो ये हमारी होटल रूम है। अरे यार कबूतर गिरा है वहाँ पे नीचे। खुल ना लिफ्ट में नहीं जा रही। खुल जा। ऊपर लिफ्ट भी नहीं आ रही है। तो शायद है ना कबूतर को ऊपर से करंट लगा और वो गिर गया है वहाँ पे कार के पास। ये देखो मेरे सामने ये कबूतर नीचे गिरा और मैंने इसे रिवाइव करने की बहुत कोशिश की बट वो नहीं उठा। यार उठ ही नहीं रहा है। तो देखो हमने उस दिन ना बहुत सारा नाश्ता लिया था। ये देखो ये वेफर्स में ये चूड़ा है, फिर ये कुकीज, फिर इसमें बहुत सारी चीजें हैं, फिर से चिवड़ा और बहुत सारे कुकीज लिए थे। और हाँ एक सेकेंड देखो ये जो कुकीज है ना ये मेरे फेवरेट कुकीज है क्योंकि इनका फ्लेवर है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और भाकरवड़ी भी ले रही हूँ, सब ले लेंगे दबा के अच्छा सा नाश्ता करेंगे। बाहर घूमने हो ना तो मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगी, दबा के नाश्ता कर लेना चाहिए ताकि है ना घूमने में हमको और एनर्जी मिल सके, है ना। और ये रहा फाफड़ा, गुजरात का स्पेशल फाफड़ा। चलो अभी मैं ना मम्मी और मेरे लिए चाय मंगा लेती हूँ। पापा तो चाय पियेंगे नहीं तो हम मस्त चाय बिस्किट खाएंगे। ठीक है। कैसे क्या? कैसे बाहर है तो जरा तुम्हारा देखो चलो। हाँ मंगाती हूँ मैं, मंगाती हूँ चलो। हाँ दो मैं ना दो पानी के बोतल और तीन चाय ना पापा। हाँ तीन चाय। थैंक यू। होटल में आके है ना मुझे ऐसे फोन से है ना ऑर्डर करने में बहुत अच्छा लगता है। देखो मैं नहा के आने तक है ना मेरी चाय भी आ गई। आप दोनों ने चाय पी ली? नहीं मैंने नहीं पी। हाँ आओ फिर बैठो पापा, मेरे फेवरेट वाले बिस्किट खाएंगे हम। क्यों नहीं आ रही चाय इसमें से? अच्छा ऐसा भी रहता क्या? अब देखो मैं पीता नहीं ना ऐसे ये चाय वाय, इसलिए मेरे को क्या मालूम। ये ऐसा बिस्किट लेने का, इसको ऐसा तोड़ने का, ऐसा ऐसे खाने का। वाह चाय बिस्किट ऐसे खाने की। ऐसे बैठ के कौन मेकअप करता है? अरे मम्मी यहाँ पे देखो ना बैठने के लिए इतनी अच्छी जगह है तो अच्छे से बैठ के एकदम कंफर्टेबल मेकअप करूंगी ना, है ना गर्ल्स। अच्छे से मेकअप भी हो जाते हैं और एकदम क्लियर दिखता भी ऐसे मिरर के सामने बैठने से। वैसी मैं शूट ही नहीं कर पाया। अरे तुम तुम्हारा किया करो यार। मेरे अरे रुको ना मेरे फोन और मेरे साइड में। चल मेरे जल्दी चल। आवाज कम रखना मम्मी। देखो आप भी कैसे शूट कर रहे हैं। ये रील आप देख लेना मम्मी क्या काम पे वो गाना भी हो गाना पूरा तो होने दिया करो पापा। चलो निकलो। पापा कुछ भी नहीं लेके गए, बस वो ना एक बैग लेके गए, उनका रुमाल तक यहाँ पे छोड़ के गए। ऐसे ही करते हैं हमेशा पापा भी। देखो इतना सारा सामान हमको ही लेके जाना पड़ेगा। चल नीचे जाके बताती हूँ हमको कहाँ पे जाना है। लेट्स गो मम्मी। तुम ले लिया ना देखो। अरे आपका चश्मा सबसे इम्पोर्टेंट चीज। और पापा ने अपने सारे गोल्ड रिंग्स भी तकिए के नीचे उतार के रख दिए थे और वो हम भूल गए। दिखता नहीं था रात में। हाँ चलो लेके आते इतना सारा सामान हम लेके आए। ये लो रखो। क्या हो गया हाथ तोड़ दे तुम्हारे? नहीं माल भी नहीं लेके आया आपका अपना? कुछ भी नहीं लाए, सिर्फ पापा खुद नीचे आ गए। क्या हुआ पापा? मेरे रिंग्स पूरे ना मैं वो तकिए के नीचे रखा था मैंने बोले। जल्दी से लो गाड़ी पीछे, दरवाजा हमने खुला ही रखा था। क्या यार पापा आप भी ना आगे में एक मिनट। रूम नंबर 103 में ना रिंग्स वैसे ही रह गए।
वेरी गुड, गोल्ड का है? हाँ गोल्ड का। वेरी गुड। हाश रिंग्स मिल गए, जान निकल गई थी यार हम सब की। मिल गए क्या यार पापा? इतने थे। क्या बात है देखो। पापा को कौन बनेगा करोड़पति में जाने की जरूरत? चलो थैंक यू अंकल बाय। जान निकल गई थी सबकी रिंग्स के चक्कर में, आज से ऐसे मत करना पापा। तो तुम तो ध्यान रखा करो, मेरा हाथ खाली दिख रहा, समझ में नहीं आया तुमको? हम क्यों, अभी हमको क्या पता आपने रिंग्स उतारे कहाँ पे रखे? पापा भी ना, चलो जल्दी मम्मी को बताना पड़ेगा, फालतू में मम्मी इतना सारा टेंशन ले रही होगी गाड़ी में। मिल गए, टेंशन मत लो, सारे रिंग्स मिल गए। चिल्ला थोड़ा, पापा को कैसे रखे थे उन्होंने वहाँ पे बिल्डिंग के नीचे? मैं जा रही हूँ, चले जाने वाली थी आपके रिंग। अभी 2 लाख का चूना लग गया होता अगर नहीं मिला। पर आप अपना सामान भी नहीं लेके आते। हाँ ना पापा, और मैं कोई बोल रहे तुमको समझ में नहीं आता क्या? हमको क्या मालूम आपने रिंग निकाल के रखे है क्या नहीं है। हाँ ना, अच्छा हुआ रिंग्स मिल गए। हाँ बोल रही थी मम्मी, फिर से बोल। अरे इंसान ने अपनी एक बैग लेके लटक के चले जाना, बीबी बच्चा साथ में, उनका सामान है क्या है कुछ भी नहीं, ऐसे कैसे? बाप रे, आपसे उम्मीद नहीं थी मुझे। सेम पापा, हमको इतना बोलते रहते हैं पापा, आज देखा ना पापा ने क्या किया। ठीक है अभी तुम्हारा दिन है आज का, बोल लो अब क्या है। बोल लो, बोले तो। तो अभी है ना, मैं एक बहुत ही क्यूट सी लड़की से मिलने जा रही हूँ, उनके सिटी में आए तो उनसे मिलना तो बनता ही है। आप है ना बस गेस करो कि मैं किससे मिलने वाली हूँ, बस थोड़ा सा वेट करो, मैं आपको भी मिलाऊंगी। तो अभी है ना, हम वडोदरा के एक बहुत ही मस्त मॉल में आए। मम्मी कितना अच्छा मॉल है ना ये? अच्छा तो है, बड़ा भी है ना। आज मम्मी भी कितनी मस्त लग रही है। नमस्ते ना, आओ चलो सामने चलते हैं। आगे निकल गए, आगे निकल गए, जैसे अकेले आए पापा घूमने। मैं रुकूं क्या? तुम देखो क्या है, तो बाद में बुला मेरे को, जाओ। तो जिस क्यूट लड़की से हम मिलने आए ना, उसको आने में अभी टाइम है, तो तब तक सो मम्मी और मैं ना उनके लिए एक अच्छा सा गिफ्ट लेते हैं ना मम्मी। हाँ बहुत अच्छा लगेगा। यार मुझे ना कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या गिफ्ट लूँ, और यहाँ पे ना कुछ अच्छा सा मिल भी नहीं रहा है। तो ये देखो यहाँ पे ना टेडी बेयर सेक्शन है, टेडी बेयर ही ले लेती हूँ, है ना मम्मी? ले ले अभी। अच्छा है, क्यूट भी है, ये पसंद आएगा ना? ठीक है ले लेते हैं। बहुत क्यूट है, ये ले ले फिर। हम खुद ही खेलती बैठेंगे उससे, चल जल्दी से। अच्छा शर्ट टाइप लिया है आपने, दिखाओ। अच्छा है, वाओ अच्छा लग रहा है, बहुत सही लग रहा है। ले लूंगी। हाँ ले लो, और यही पहन लो लेने के बाद। चलो फाइनली मैंने गिफ्ट ले लिया, इसको अच्छे से रखेंगे, ऐसे दिखना नहीं चाहिए, है ना? आप ये चेंज करके आ लो। चलो मुझे जैसा गिफ्ट लेना था ना वैसा तो नहीं मिला, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने क्यूट सा गिफ्ट ले लिया है। अभी वो क्यूट सी लड़की थोड़ी देर में हमसे मिलने यहाँ पे आने वाली है, बस आप है ना थोड़ा सा और इंतजार करो। कौन आया? कर लेना तुम्हारे लिए अभी शॉपिंग। यार पता नहीं कब आएगी हमारी क्यूट सी गर्ल, जिसका मैं इतना बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। यहाँ पे सामने पार्किंग है ना, तो मैं यहाँ से देखती हूँ, अगर दिख जाए तो। मैं एक ऐसी लड़की से मिलने वाली हूँ जिसके लिए दुनिया जजमेंटल बनी रहती है, बट किसी को उसकी असली लाइफ पता ही नहीं है। जो क्यूट सी लड़की का मैं वेट कर रही थी वो आ गई है फाइनली। आ
सोफिया दी से मिलके बहुत अच्छा लगा। देखो ना दीदी कितनी ब्यूटीफुल है। अरे यार जितना ये वीडियो में नहीं दिखती ना उतना रियल लाइफ में दिखती है, बहुत सुंदर है दीदी। किसी के बारे में जजमेंटल बनने से पहले उसकी लाइफ तो देखो। देख के ब्रेसेस है ना वो फर्स्ट में जाए। आइसक्रीम चाहिए तुझे? आइसक्रीम ये ले। आकर 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 आ दे रहा है। कब से हम यहाँ पे खड़े हैं, एक रील निकल जाए पर लोग आ ही रहे, सेल्फी ले रहे हैं, ले रहे हैं, ले रहे हैं और सब इतने खुश है ना काव्या को इधर देख के। मतलब मेरे होम टाउन गुजरात में काव्या को देख के इतना खुश है सब, और स्पेशली बच्चे इतने खुश है। मतलब इसको देख के ऐसे स्माइल करते, काव्या दीदी काव्या दीदी। तो अभी हम रील्स निकाल लेते हैं। चल मैं ना दी के साथ बहुत सारे रील्स निकाल रही हूँ क्योंकि यार पता नहीं बाद में हम कब मिले, कब मिलना होगा हमारा। तो अभी मिले तो यार बहुत सारा फन करेंगे और बहुत सारी रील्स भी शूट करेंगे। हम भी बैठ जाते हैं। वाओ आपने तो यही सोचा होगा ना कि वो एक मॉडर्न लड़की है, अकेले रहती होगी, पर ऐसा नहीं है। मैंने उससे बहुत बातें की, बहुत कुछ कहना था उससे पर कह नहीं पाई। वो रियल लाइफ में बहुत इमोशनल है और एक एंजल की तरह रहती है जो अपने ओल्ड मॉम डैड का बहुत ध्यान रखती है। उन्हें कब किस टाइम मेडिसिन देनी है, उनकी केयर कैसे करनी है, बस यही उसकी दुनिया है। बिंदास काव्या वो सब भी देख लेती है जो एक चेहरा नहीं दिखा पाता। बहुत अच्छा लगा काव्या इतनी दूर से आई और मुझे उसने मिला और वो मेरे लिए टाइम निकाली, मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब बहुत कम लोग होते हैं जो टाइम निकालते हैं और वक्त बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होता है। थैंक यू यार। सही तब से ऐसी सब चीज़ें कर रही है ना मेरा दिल है ना एकदम। बहुत अच्छा लग रहा है दी, बहुत स्वीट है और बहुत मतलब उन्होंने भी मेरे साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड किया। एक सेकंड रुको, मेरे को हाइट चेक करनी है। एक सेकंड पकड़ो मामे, मैंने हील्स पहनी हुई है ना, किसकी हाइट ज्यादा है देखने दो। ये कौन चेक करता है? मेरे शूज पहने हुए मैंने। गिफ्ट अच्छा लगा आपको? मुझे गिफ्ट बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्यादा क्यूट है एकदम। इसकी तरह मैं अपने बेडरूम में इसको रखूंगी। सच में? ठीक है, मेरी याद दिलाएगा फिर वो आपको। मैं रोज ही ऐसे ही वीडियोस और पोस्ट लाइक करती रहती हूँ तो याद तो रहता ही है इसके बारे में, लेकिन आज मुझे इससे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और ये बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ है, बहुत दूसरे क्रिएटर्स की तरह नहीं है ये, इसको बिल्कुल भी एटीट्यूड नहीं है। और वो होता ना ये ऐसी बंदी है जो दूसरी बंदियों को आगे करेगी, ये कभी ऐसे चिड़ेगी नहीं और जेलस नहीं होगी किसी से, ये दिल की बहुत साफ। ये मुझे ब्लश क्यों करवा रही है? दी, I love you too, तो बोलो। अच्छा, I love you too. यार कोई लड़की ऐसे नहीं बोलती मुझे। मैंने बोल दिया ना। बहुत क्यूट है यार ये, बहुत ज्यादा क्यूट है। चाय पिए क्या? हाँ, क्योंकि आपको पता है गाइस चाय की तलब जो तलब है दुनिया में ऐसी तलब कहीं नहीं है। हाँ, तो अभी हम चाय पियेंगे तो काव्या भी मेरे साथ चाय पिएगी,
अरे दी ने चाय बोला तो हम सीधा निकल लिए चाय पीने, हमको चाय बहुत पसंद है। और फिर मुझे इसको टाटा बाय बाय करना पड़ेगा क्योंकि ये जा रही है वापस, और पता नहीं फिर कब मिलेंगे हम। ऐसे कभी आ जाना मिलने या मैं वहाँ आ जाऊँगी मिलने के लिए। अरे बिल्कुल, मैं स्पेशली आपके लिए यहाँ पे आऊँगी क्योंकि अभी बाय बोलने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है मुझे। है ना यूनिक कप है, चाय पीने के बाद इसको खा ले। दी ने वो खाने वाला नहीं लिया कप, नॉर्मल कप लिया है। मैंने नॉर्मल कप लिया है, चाय थोड़ी सी पीनी है मुझे भी। चाय के साथ ये पापड़ी खाना मतलब स्वर्ग नसीब होना। चलो दीदी से मिल के ना मुझे बहुत अच्छा लगा, हम नेक्स्ट टाइम जरूर मिलेंगे और इससे ज्यादा टाइम साथ में स्पेंड करेंगे। बाय दीदी। हम हमेशा ऐसे कहते हैं कि हम फिर से मिलेंगे, पर हम शायद ही कभी उनसे मिल पाते हैं। शायद सोफिया दी और मैं फर्स्ट एंड लास्ट टाइम मिल रहे हूँ। बहुत बातें करनी थी उनसे मुझे, वो मुझे बाय बोल रही थी और मेरा बाय बोलने का मन ही नहीं कर रहा था। बाय दी। बाय बाय। बिंदास काव्य का काम है सबके चेहरे पे स्माइल लाना। चलो तो दी चली गई, अभी हम सीधा निकलेंगे अहमदाबाद के लिए। यहाँ से अहमदाबाद बस कितना, 3 घंटे का रास्ता है ना। तो सोफिया दीदी है ना, जैसे वो उनकी वीडियोस में दिखती है ना, उससे कई 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 ज्यादा ब्यूटीफुल है रियल में। और हाँ, आप जो उनके वीडियोस को देख के उनको जज करते हो ना, प्लीज यार ऐसे जज मत किया करो, क्योंकि उनकी भी तो एक नॉर्मल लाइफ होती है। आज मैं उनको है ना रियल में मिली, उनके साथ पूरा दिन स्पेंड किया, बातें की, बहुत मस्ती की। तो मुझे पता चला कि है ना वो बहुत अच्छी है, बहुत काइंड हार्टेड है। तो मुझे उनसे मिलके है ना बहुत अच्छा लगा। तो आप है ना कोई भी किसी को भी है ना 15 सेकंड की रील देख के जज मत किया करो। तो चलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आपके चेहरे पे भी अगर स्माइल आई होगी तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो।